देवभूमि प्रणाम, अंजना ठाकुर हाजिर हूँ ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भोटा में निजी बस और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश का आतंकी जीनत उल इस्लाम नाइकू ढेर। शिमला में लक्कड़ बाजार संजौली बाईपास पर पेड़ गिरने से लगा जाम। जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय कुल्लू मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाएं। अमरनाथ यात्रा के बाद माछिल माता यात्रा भी रोकी गई। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर भोटा में निजी बस और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर। भोटा के पास मंडी राजमार्ग पर अघार में निजी बस व टेम्पो में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया और बस में बैठी 17 सवारियां घायल हो गईं। सभी घायलों को भोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया है। बस में 22 यात्री सवार थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने जारी मुठभेड़ में जैश के आतंकी जीनत उल इस्लाम नाइकू को मार गिराया है। शिमला में लक्कड़ बाजार संजौली बाईपास पर पेड़ गिरने से लगा जाम। पूरे प्रदेश में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश से कभी पेड़ तो कभी लैंडस्लाइड रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पेड़ गिरने से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। आज शिमला में संजौली के पास पेड़ गिरने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। लोक निर्माण विभाग के मजदूरों ने मार्ग को काफी देर बाद बहाल किया। जिला संपर्क अधिकारी कार्यालय कुल्लू मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाए पात्र लोग। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने भल्याणी में लगाया जागरूकता शिविर। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नालसा की सभी स्कीमों तथा मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तार पूर्वक बताया। शिविर में पंचायत के सचिव, प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत के सभी वार्ड मेंबर्स मौजूद थे। जम्मू कश्मीर जिले की 43 दिनों तक चलने वाली माछिल माता यात्रा को सुरक्षा कारणों से शनिवार को रोक दिया गया है। ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 5 सितंबर को खत्म होनी थी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।